सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। आप लोग मुंबई अश्वमेध की पुस्तक प्रदर्शनी की तैयारियां देख रहे हैं। आप अगर इस तरफ आएंगे तो ये सारे आर्ष ग्रंथ हैं जिनकी शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से सभी लिखा हुआ है और ये सारे उपलब्ध हैं यहाँ पर। अथर्ववेद संहिता, यजुर्वेद संहिता वगैरह ऐसी सारी किताबों की है, सांख्य दर्शन वगैरह सारी पुस्तकें हैं। और इस तरफ अगर आप आते हैं तो हम लोगों के गुरुदेव के जो 70 वाङ्मय हैं उनका सभी का संकलन यहाँ पर है इस प्रदर्शनी के अंदर में। और अगर हम लोग जैसे वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की बात करते हैं तो चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानव मस्तिष्क इस पुस्तक का भी यहाँ पर हम लोगों ने इसका सारांश वगैरह भी लिखा है। और आप इसको पढ़ेंगे तो वाकई में आपको समझ में आएगा कि हम केवल 7% भी इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद में अगर इसको हम अपना जो प्रसुप्त पार्ट है अगर इसको जागृत करते हैं तो कई सारी चमत्कारी विशेषताओं से हम लोग जो है अपने जीवन में इसको देख पाते हैं। आइए अगले इसमें। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। ये युग परिवर्तन विचार क्रांति कैटेगरी का स्टॉल है और इस पे जो पुस्तक है ये है वाङ्मय, युग परिवर्तन कैसे और कब। इसमें गुरुवर ने बताया है कि किस तरीके से युग परिवर्तन होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और इसमें जो दिया हुआ है, जो गुरुवर ने अब तक लिखा है ना सारा किस तरीके से करना है उसमें लिखा हुआ है। अब जैसे बताया परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है 1980 से 2000 के बाद का कुछ समय अनेक को निरस्त करने और सृजन को समुन्नत बनाने वाली देव शक्तियों के प्रबल पुरुषार्थ के प्रकटीकरण का समय है। तो इस वाङ्मय से हमें पूरा पता लगता है कैसे क्या हमें करना है परिवर्तन के लिए, क्या क्या क्रियाएँ अपनानी है। जय गुरुदेव सभी को, प्रणाम। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। मैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद कैटेगरी से हूँ और ये हमारी सबसे अहम पुस्तक है सावित्रिनी कुंडलिनी एवं तंत्र। इसमें हमारे गुरुदेव यानी कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि जब हमको गायत्री साधना करते हैं और गायत्री और सावित्री क्या है, तो सावित्री हमारी आत्मा को भौतिक सुख उन्नति के लिए हमको उसकी साधना करनी होती है और हमारे अंदर जो एक कुंडलिनी छुपी हुई है उसको हम सुसुप्त अवस्था में जो पड़ी रहती है उसको हम जागृत करते हैं। तो इससे और ये तंत्र जैसे कि तंत्र विद्याएं होती हैं, फिलहाल हमें इस तंत्र विद्या का कोई उपचार नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में गायत्री और सावित्री साधना ही सुलभ रहती है। इसमें सब हमारे गुरुदेव ने व्याख्या से बताया गया है। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। मेरे पास ये पुस्तक है, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। ये पुस्तक में ईश्वर तो स्वयं हमारे गुरुदेव हैं और वो हर जगह है, हर 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 कण कण में उपस्थित हैं। हम इस पुस्तक में इसके बारे में जान सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, प्रणाम। मेरे पास जीवन देवता की आराधना का पुस्तक है। ये गुरुदेव की बहुत अच्छी पुस्तक है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। उसमें गुरुदेव ने बताया है कि हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जैसे हम प्रातः सुबह में उठते हैं, सूर्य उदय होता है, शाम को अस्त होता है, तो ये अस्त व्यस्त जीवन नहीं जीना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, इसमें गुरुदेव को दो लाइन में आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप सभी को लेनी चाहिए। इसमें बोला है गुरुदेव ने कि रोज एक दिन हमारा कटता है तो हमारी उम्र कट जाती है, पर ऐसे जीवन नहीं जियो, उसमें कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो आप इसमें बताएं कि हमारा जीवन विवेकवान ऐसा होना चाहिए। आप सब ये जीवन देवता की साधना आराधना उपासना करके हमारा जीवन निष्ठामय नीतिमय जिए, अस्त व्यस्त न जिए। प्रणाम। बहुत सुंदर, सबको प्रणाम। हमारे पास वाङ्मय का पहला वाङ्मय है दृष्टा का जीवन दर्शन, और इसमें जो सच्चे आध्यात्मिक सीखना है तो गुरुदेव को जानना ही जरूरी है। इस युग के देवता गुरुदेव है, इसने 108 वाङ्मय लिख के पूरा अध्यात्म को कवर कर लिया, छोटे से छोटे व्यक्ति और बड़े व्यक्ति को भी इसमें दिया। गुरुदेव का एक सिद्धांत और साधना के शब्द मिले हैं, तो इसको अखंड ज्योति की पत्रिका में भी इसको इंक्लूड किया है। जय गुरु, सभी को प्रणाम। जय गुरु, अवश्य आइए, पुस्तक प्रदर्शनी में।